मैं आशु, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर यूपी के मोहम्मदी से है, जहां ध्वस्त कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध एवं यौन हिंसा, अवैध खनन, आवारा जानवरों आदि की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने गुरेला चौराहा अंबेडकर मूर्ति से होकर रामलीला मैदान तक विशाल जुलूस निकाला। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने योगी व मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जन विरोधी सरकारों को उखाड़ने की अपील की। राज्यपाल और जिला अधिकारी को संबोधित दो ज्ञापन सौंपे। धरना सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कार्तिक तिवारी उर्फ शैलू ने कहा, मोहम्मदी पुलिस पीड़ितों के दर्द से किनारा किए हुए हैं। पीड़ित दर दर भटक रहे हैं और जब कुछ निष्पक्ष पत्रकार पुलिस की भ्रष्ट कार्यशैली पर पीड़ितों का दर्द बढ़ते हुए खबरें प्रकाशित कर रहे हैं तो थाना प्रभारी मोहम्मदी प्रकारों को धमका रहे हैं। एमएलसी शशांक यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि राम राज्य के नाम पर सत्ता में आई भाजपा की योगी व मोदी सरकार ने पूरे प्रदेश को पुलिस माफिया और अपराधी गठजोड़ के जंगल राज में तब्दील कर दिया है। आज पुलिस थाने अपराधियों और अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं और भाजपा नेताओं के अड्डे में तब्दील हो गए हैं और बताया कि मोहम्मदी सराय के पास गोमती नदी पर स्थिति कुछ पलटों पर खनन का ठेका है, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ नेता इसके अंतर्गत भी खनन कर रहे हैं और किसानों की बदहाली पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व जिला उपाध्यक्ष क्रांति कुमार सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के समय में देवरिया से लेकर मुजफ्फरपुर तक बेटियों का व्यापार किया जा रहा है। लखीमपुर ज़िले में बढ़ती महिला हिंसा, बलात्कार, यौन हिंसा ने पूरे तराई को बलात्कार हब में बदल दिया है। पुलिस पीड़ित परिवारों का ही उत्पीड़न करने का कार्य कर रही है। मोहम्मदी की इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके बाजू काट डालना, उसका सर मुड़वा देना, चेहरा जला दिया जाए, दहला देने वाली घटना घटित होती है। पीड़ित पिता अभियुक्तियों को सलाखों को पहचानने के लिए दर दर भटकता है। मामला मीडिया में हाईलाइट होने पर गिरफ्तारी होना तथा मैगलगंज के ग्राम इच्छनपुरवा, इसके अतिरिक्त थाना पसगवां चौकी महम्मदपुर ताजपुर के अंतर्गत ग्राम नया गांव में गायब दलित लड़की का नग्न अवस्था में शव 3 दिन बाद मिलता है। इन सभी का प्रकरणों का खुलासा ना करना पुलिस की खाऊं कमाऊं नीति का प्रमाण है। सभा में पूर्व मंत्री डॉक्टर आर ए उस्मानी ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन के बाद बीजेपी का सफाया तय है। सभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रहे दिलीप यादव ने की, संचालन बर्बर नगर अध्यक्ष अब्दुल मुईद खान ने किया, नगर अध्यक्ष इकरार खान, समाजवादी महिला अध्यक्ष तृप्ति अवस्थी, लक्ष्मण गुप्ता, छात्र नेता मधुर सिंह, सपा नेता मोनिस अंसारी, गौरव यादव, प्रवीण यादव, वैभव सिंह, आसिफ मंसूरी, मोहित कटियार, योगेश श्रीवास्तव, राम कैलाश यादव, अंसार खान, आसिफ अली, कमालुद्दीन मंसूरी, विनोद गुप्ता, पूर्व नगर अध्यक्ष सगीर आलम सिद्दीकी आदि लोग मौजूद रहे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए मोहम्मदी से सिदाकत मंसूरी की खास रिपोर्ट। थाने चाहे मोहम्मदी का हो, पसगवां हो, मैगलगंज हो, एवं पूरे लखीमपुर खीरी में ये थाने भाजपा के अड्डे बन गए हैं। बालू खनन से लेकर के अपराधियों बलात्कारियों को संरक्षण देना इन पुलिस का काम है। और ये घटना जो रमुआपुर के अंदर घटित है, 11 दिसंबर की दिन लड़की रात में गायब होती है, दूसरे दिन मुकदमा लिख जाता है, 3-3 दिन एक भट्टे पे लड़की रहती है, पुलिस को सूचना प्राप्त होती है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है उसके बाप को डिटेन कर लिया जाता है, उस लड़के के पिता को। लेकिन 1 जनवरी 2019 के पहले दिन आपके बेटी के लाश घर के सामने के खेत में फेंक दी जाती है, जिसमें दसियों बार पुलिस ने कामिंग की थी। हम जानना चाहते हैं कि पुलिस के सामने अपराधी इतना बेखौफ हो गए कि हत्या करके नग्न अवस्था में उसकी लाश को घर के सामने फेंक जा रहे हैं। सिर्फ 2 लोग मुलजिम बना करके जेल भेजे गए हैं। हम इस बात को पुलिस से पूछना चाहते हैं, क्या एक आदमी इस तरीके से हत्या करके घर के सामने लाश को फेंक सकता था? उसके दोनों पैर बंधे हुए थे, नग्न अवस्था में लाश थी। सीधे तौर पे पुलिस ने कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट को नहीं बुलाया, डॉग स्क्वाड को नहीं बुलाया, उल्टा लड़की के माता पिता को धमकी दी जा रही है कि जिस तरीके से आपकी बेटी मार दी गई, आपको भी मार करके भट्टे में जलवा दिया जाएगा, आपकी लाश का पता नहीं चलेगा। हम कहना चाहते हैं कि बहुत दिन पुलिस का माफिया राज जो योगी सरकार ने ठोको नीति के तहत चालू किया है, ये चलने वाला नहीं है। अब समाजवादी पार्टी आपके सामने संघर्ष के मैदान में है, मीडिया कर्मी भी जानते हैं। इस पूरे घटनाक्रमों में
महिलाओं की लाशें नग्न अवस्था में मिल रही हैं और पुलिस सिर्फ पैसा उगाही और भाजपा सरकार और भाजपा के लोकल विधायक जिनका काम यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण देना और बालू का खनन कराना रह गया है, उनके बेटे से लेके और पिता तक सिर्फ बालू की चोरी और बालू का अवैध खनन कराने का काम कर रहे हैं। इसके लिए